टैक्सिल डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी ए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि नॉन टैक्सेबल सप्लाई डिलीवरी चलान के थ्रू की जाती हैं तो क्या आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई वे बिल को बनाना मैंडेटरी है। इसके लिए आप केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफ़र कर सकते हैं जो कि 13 जुलाई 2018 को डिलीवर की गई है, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस केस के फैक्ट इस प्रकार हैं कि जो टैक्सपेयर था वह बैटरीज़ को व्हीकल के अंदर लेके जा रहा था, क्योंकि जो टैक्सपेयर है वह स्टेट में टॉवर की रक्षण कर रहा था। तो जिस व्हीकल के अंदर बैटरी को लेके जाया जा रहा था उस व्हीकल के ड्राइवर के पास डिलीवरी चलान तो था, लेकिन रूल 138 के अकॉर्डिंग ई वे बिल नहीं था। इस केस में एप्लीकेंट ने यह कहा कि जो गुड्स को मूव किया जा रहा था वह अपनी ही साइट के ऊपर मूव किया जा रहा था, यानी कि एक साइट से दूसरी साइट पे मूव किया जा रहा था, और दूसरी जो कंसाइनमेंट थी वह जॉब वर्क के लिए जा रही थी। इस प्रकार यह ट्रांजैक्शन जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट ने रूल 55 को रेफ़र किया जीएसटी एक्ट के। जीएसटी एक्ट का रूल 55 यह कहता है कि आप कब बिना इनवाइस के डिलीवरी चलान के बेस पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे रूल 55 के अंतर्गत सब रूल 3 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि आप डिलीवरी चलान के बेस पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको रूल 138 के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन देनी होगी, यानी कि ई वे बिल बनाना होगा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सेक्शन 129 को भी रेफ़र किया जो कि यह कहता है कि किन केसेस में गुड्स को डिटेन किया जा सकता है और सीज किया जा सकता है। यहाँ पे सेक्शन 129 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्लोज ए और बी दिया गया है। बी क्लोज ये कहता है कि एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में भी गुड्स को डिटेन किया जा सकता है यदि जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस या फिर रूल को कंप्लाई नहीं किया जाता है। इस केस में हाई कोर्ट ने यह देखा है कि जो डिलीवरी चलान है वह एसएससी के कंट्रोल में है, एसएससी उसे मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि बाद में गुड्स को सेल कर सकता है और डिलीवरी चलान को टियर कर सकता है, यानी कि फाड़ सकता है, जिससे कि असेसिंग ऑफिसर को यह नहीं पता लगेगा कि गुड्स को सेल किया जा चुका है। इस प्रकार सिर्फ डिलीवरी चलान बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि रूल 138 के अकॉर्डिंग ई वे बिल को बनाना भी जरूरी है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।